नमस्कार। आज हम लोग कैन का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ कैन। कैन का अर्थ सकना होता है। इसका यूज सकना के अर्थ में किया जाता है। इसका यूज क्षमता, शक्ति, योग्यता, बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको सेंटेंस में इस प्रकार यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यस मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। जैसे इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो गया मैं किताब पढ़ सकता हूँ। इसमें किताब कौन पढ़ सकता, इस सेंटेंस में किताब कौन पढ़ सकता, तो आंसर आएगा कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ। मैं, तो मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। मैं का इंग्लिश होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। किताब का इंग्लिश होता है बुक। तो हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना। सब्जेक्ट क्या है? मैं का मतलब आई। उसके बाद आपका कैन फॉर्मूला के अनुसार, उसके बाद आपका वर्ब का पहला रूप, वर्ब है आपका रीड। उसके बाद आपको यूज करना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं क्या पढ़ सकता हूं, मैं किताब पढ़ सकता हूं, तो किताब हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आपका आंसर हो गया था मैं किताब पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड बुक। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम मछली पकड़ सकते हो। तुम मछली पकड़ सकते हो। चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में तुम मछली पकड़ सकते हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहां पर कौन मछली पकड़ सकता, कि आंसर आएगा कि तुम मछली पकड़ सकते हो। तुम हो गया आपका सब्जेक्ट। तुम का इंग्लिश होता है यू, तो हो जाएगा आपका यू। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कैन। सब्जेक्ट, उसके बाद कैन प्लस
वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद कैन आएगा आपका, कैन यू कैन, उसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब आएगा, तुम क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो, पकड़ना का मीनिंग होता है कैच, सी ए टी सी एच कैच, तुम क्या पकड़ सकते हो, मछली पकड़ सकते हो, मछली हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यू कैन कैच फिश, ये हो गया आपका आंसर, तुम मछली पकड़ सकते हो, यू कैन कैच फिश। अगला था हम लोग का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का फॉर्मूला था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, वह अकेला जा सकता है, चलिए सेंटेंस को बनाया जाए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना इस फॉर्मूला के अनुसार, उसके बाद केयर का प्रयोग, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कौन जा सकता है, कि वह जा सकता है, वह हो गया आपका सब्जेक्ट। वह का हिंदी क्या होता है, वह का हिंदी, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। उसके बाद क्या लगेगा आपका, कैन लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा आपका वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या है आपका, वह क्या कर सकता, वह जा सकता है, जाना का इंग्लिश क्या है, गो। उसके बाद क्या है अकेला, अकेला का इंग्लिश होता है एलोन। तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, ही कैन गो एलोन, वह अकेला जा सकता है, ही कैन गो एलोन। चलिए चौथा नंबर, तुम किताब खरीद सकते हो, तुम किताब खरीद सकते हो, तुम किताब खरीद सकते हो। चलिए सेंटेंस को बनाइए। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद वर्ब का फॉलो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तुम किताब खरीद सकते हो। यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किताब कौन खरीद सकता, तो आपका आंसर आएगा कि तुम किताब खरीद सकते हो, तुम हो गया आपका सब्जेक्ट, तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद क्या होगा कैन, उसके बाद क्या होगा आपका वर्ब खरीदना, तुम क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, खरीदना का इंग्लिश होता है बाय, बी यू वाई। उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, तुम क्या खरीद सकते हो, किताब खरीद सकते हो, किताब का इंग्लिश हो गया आपका बुक, तो हो गया आपका इंग्लिश, तुम किताब खरीद सकते हो, यू कैन बाय बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग पत्र
भेज सकते हैं। हम लोग पत्र भेज सकते हैं। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग पत्र भेज सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट है हम लोग। कौन पत्र भेज सकते हैं? हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी। उसके बाद क्या होगा? कैन। उसके बाद क्या होगा आपका? वर्ब का पहला रूप वर्ब। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं। तो भेजना के लिए क्या होगा? सेंड। उसके बाद क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा। क्या भेज सकते हैं? पत्र। पत्र का इंग्लिश लेटर। तो हो गया इंग्लिश, हम लोग पत्र भेज सकते हैं, उसका ट्रांसलेट हो गया वी कैन सेंड लेटर। We can send letter.